Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nani. Happy birthday to you. May God bless you. So hey guys, welcome back to another vlog. और आज का vlog थोड़ा special होने जा रहा है. वैसे हर vlog मेरा special ही होता है भाई, पर आज का थोड़ा और special है. क्यों? क्योंकि आज है नानी का बर्थडे और एक और चीज़, आज है मदर्स डे. तो नानी का जो बर्थडे है ना भाई, हम मदर्स डे भी बना देंगे, क्योंकि एक्यूरेट डेट भाई घर में किसी को याद नहीं है, तो इस वजह से. पर इसके आसपास ही पड़ता है मदर्स डे के, तो इस वजह से. बाकी भाई आप सबको एक काम करना आज के दिन भाई, अपनी मम्मी को हक करके ना हैप्पी मदर्स डे ज़रूर बोलना उन्हें. क्योंकि देखो पूरे साल में तुम्हारे लिए इतना काम करती है यार, एक दिन तो तुम उन्हें थोड़ा स्पेशल फील करा सकते हो ना. तो हाँ, बाकी अभी टाइम देखो क्या होने लग रहा है. टाइम हो रहा है 4 बजे जा रहे ऑलमोस्ट, और हम निकलने लग रहे हैं नानी के यहाँ पे, क्योंकि उनका बर्थडे है. तो बर्थडे सेलिब्रेट करना है आज हमें, तो केक वेक लेके आना, तो मौसी को एक पार्सल भी पकड़ाना वहाँ पे रास्ते में बीच में. इस वजह से हम थोड़ा जल्दी निकलने लग रहे हैं, तो देखो भाई क्या होता है. क्या पहुँच गया देखो हम भाई, कैसा मामा नाथ लेते सुबह छुट्टी तक अच्छी चिटी बड़े, क्या बुखार हो रखा है. ओह माय गॉड गाइस, ये होते हैं फायदे अगर घर में बहू ना हो तो. ये जिंदगी कटती है देख रहे हो गाइस, ऐसे पूरे पूरे दिन ऐसे निकले. राणा जी तो अच्छी तो रखी है बुखार में. डैडी पूछे राणा जी है क्या घर में, नहीं राणा जी अच्छी तो रखी है. कैसे ले लिया गाइस, घुसते के साथ ही घर में सबसे पहले एक काम किया जाता है, वो है ये एसी चलाना. यार गर्मी पता ना कितनी हो रही गाइस तुम्हें, और अगर ऐसे में एसी नहीं मिले ना यार तो दिमाग खराब हो जाता. अरे छोरी कहाँ है? मम्मी के पास है. ओके नाइस. बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे हमेशा लेट आई है, आज पहली बार जल्दी आ गई है. कॉन्ग्रेचुलेशन बॉसी, ऑस्कर दिलवाएंगे और मेरे को पीछे मैच शुरू हो गया भाई इनका. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस 5:30 हो गए और मैंने तो नींद ले ली सो के. हाँ भाई गाना गा रही है, बुरी आ रही है मौसी कसम से भाई. तुम भी ऐसी बुरी है, आउट के आउट जा, सुबह हो गई. हम क्या काले, हम तो भूरे हैं. देख लिया पढ़ क्या देख लिया. तो भाई मम्मी डैडी और ये सारे सोने लग रहे हैं, मामा की भी थोड़ी तबीयत से खराब होने. मामा दवाइयाँ लेके आए ये, और हैप्पी मदर्स डे है. नानी तुम कहीं कह रहे, इग्नोर मार रही है यार. गाइस मैं वैसे ना बैडमिंटन लेके आया था, मैंने सोचा खेलेंगे, पर 5:30 हो गए, कोई खेलेंगे चले. ओके गाइस अभी हम बैडमिंटन खेले थे, मैं और डैडी पहले मामा खेलने लगे थे. अरे धो लेंगे नानी यार, अभी धो लूँगा. बाकी भाई एक नंबर के मजे आ गए, डैडी भी बिल्कुल टायर्ड हो गए. और ये देखो भाई सुबह दोपहर से एसी चला रखा है, तो मतलब कुछ काम वाम करने का मन नहीं करते क्या तुम लोग हैं, एसी में पड़े रहो बस. कोई नहीं आज तुम्हारा दिन है, मदर्स डे है. बाकी भाई अब डैडी भी कह रहे हैं वो भी चले करेंगे हमारे साथ खेलने के लिए, चला करोगे ना देखते. तो गाइस अभी जाएंगे हम केक लेने, मैं और मामा, तो चलते हैं. गाइस फिर से सम्राट पे आ गए अभी केक लेने के लिए, तो केक लेते और देखो मौसम भाई बिगड़ता हुआ आ रहा है, जल्दी चलो हम केक लेके निकलते हैं. गाइस सारा सामान ले लिया, छाछ वाछ मंगाई थी नानी ने वो भी ले लिया, अब चलते हैं घर की. बारिश का मौसम होता आ रहा है भाई, मैं भीगना नहीं चाहता 1%. गाइस अभी हम घर आ गए थे, और अभी एक दिक्कत ये होगी कि ना मौसाजी को चाबी दे के आ रही है, उनके पास वैसे तो एक और एक्स्ट्रा चाबी होती थी, पर आज पता नहीं कहाँ छोड़ी है वो चाबी, तो मैं और मामा जाने लग रहे हैं. अभी हमें चाबी लेके आनी है उन्हें, और घर चलने का क्या सीन है डैडी, घर चलने का क्या सीन है? अभी केक वेक भी कटना है ना, काफ़ी टाइम लग जाएगा. कितने बजे पहुँचोगे, कब खेलोगे यार? देख रहे हो गाइस सब लोग फ़ोन में बिजी है यार, मेरे फ़ोन में नेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे वाईफाई नहीं है, और मोबाइल डाटा है मैं खर्च कर देता हूँ ऐसी हूँ मैं. तो अभी मैं और मामा जाते हैं, देखते हैं उन्हें आधे रास्ते बुला देंगे, यार सोसाइटी तो काफ़ी दूर पड़ेगी, 7-8 किलोमीटर पड़ेगी, और वह जाएंगे तो देखते हैं उन्हें आधे रास्ते बुला लेते हैं, अगर आधे रास्ते आ जाए तो भाई बेस्ट ऑप्शन है. तो अभी मामा आ रहे हैं और फिर निकलेंगे हम. इतनी दूर बुलवा लिए हम, अभी आए हो क्या? हाँ मतलब मामा सही में नहीं, ये नहीं होगा. और कसम भाई एक नंबर, भगवान कसम आज खेल नहीं पाएंगे यार, शिट. भाई अभी बारी आ गई केक काटने की, काटो. Happy birthday to you. May God bless you.
मम तुम जाओ, तुम जाओ। ब्लॉग बन रहा नहीं, वीडियो है। आओ चलो बारी बारी से, मौसी आ जाओ, तुम भी बारी बारी से आ जाओ, सारे फोटो ले लेना, इधर आ जाओ, दूसरे फोन से ले लो, मेरे से तो वीडियो बनने लग रही है। सुन अच्छी तेरे फोन से ले लो, फोटो दिखा इतना बड़ा तुम्हारे साफ है, इजी में रखो, यहीं से खबा दे लो। हैप्पी बर्थडे, कपड़ा कपड़ा तो रखते हैं। बारी बारी से भाई अब सब केक खाने लग रहे हैं। हाँ एक फोन से फोटो खींच रहे हैं। अब मौसी की बारी। अरे नहीं, ये कैसे खिलाएगी? ये बोला देख रहे मुंह खोलो नानी, अरे मुंह तो खा लो, फोटो खींच गए मेरे तो, मेरे फोन से वीडियो बनने लग रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, जा तू जा, जाएगी मैं वीडियो बना। गाइस केक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और खाने लग रहे हैं सारे, एक नंबर केक लगा। मैंने तो वसूल हो गई, यहाँ से 6-7 किलोमीटर हम दूर गए थे केक लेने के लिए सिर्फ, और मज़ा आ गया सच में। गाइस अब बारी आ गई है खाने की, तो कचौड़ी, बूंदी का रायता और ये चटनी। तो ये कुछ बनवाए जल्दबाजी में, वैसे कुछ खाने वाने का प्लान तो था नहीं, पर एकदम से बनाए जल्दबाजी क्योंकि हम भी लेट हो रहे, हमें भी जाना है। और नाइस, सही है भाई। बट और यार वैसे मैं बहुत कम खा लूँगी, आजकल मैं डाइट पर चलने लग रहा हूँ, थोड़ा फिटनेस पर ध्यान दे रखा है। गेम वेम खेलते हैं हम लोग 11 बजे तक, भाई मैं घर से बाहर रहता हूँ, गेम वेम खेलते रहते हैं, तो ये कुछ सीन चलने लग रहा है। तो इस वजह से आज काफ़ी महीनों बाद भाई मैंने कचौड़ियाँ ट्राई करी हैं, तो इसे फिनिश करते हैं और जल्दी से भाई घर पहुँचते हैं, क्योंकि रेक्स भी अकेला घर पे, फिर थोड़ी बहुत देर खेलेंगे भी, खेलेंगे ना वैसे है ना, हाँ थोड़ी बहुत देर खेलेंगे भी, तो ये कुछ सीन रहता है, जल्दी से ख़त्म करके घर मिलते हैं आपसे। तो भाई गाना वाना का वापस खा के आ चुके खेलने बैडमिंटन में और मौसी, तो ये कुछ सीन चला मारो मौसी, नहीं एक हाथ से मैं खेलते खेलते भी हरा सकता हूँ गाइस, क्या मतलब शॉट नहीं लगा, अरे शॉट लग गया, तुमने देखा नहीं, तुमने मिस कर दिया, ये देखो लो भाई मार देना शॉट, ये देखो गाइस ऐसी खेल है यार। तो भाई 10:30 हो गए और इस टाइम हम घर के लिए निकलने लग रहे हैं, पहले तो हमारा प्लान था कि भाई 8-9 बजे तक घर पहुँच के भाई थोड़ी बहुत देर खेल लेंगे, पर 10:30 बजे तो निकलने लग रहे हैं, अब जिस टाइम घर घुसते थे अब उस टाइम खेलने थोड़ी देंगे, तो आज प्लान शायद ड्रॉप करना पड़े, बाकी करने को पता इंस्टेंट भी जाना है, और रैक्स को भाई हम सुबह से नहीं मिले यार, तो भाई बेचारा अकेला है यार घर पे, तो वो भी देखना है जरा, अभी ये लोग आए पता नहीं कितनी देर और लगेगी ने, और भाई बाकी चीज़ दिखाओ तो मैं देखो अपनी लाइट का थ्रू दिखाता हूँ मैं तुम्हें, एक सेकंड देखना, ये देखो गाइस आगे वहाँ पे देख सकते हो गाड़ी भी कितना तगड़ा थ्रू दे रही है ना, काफ़ी सारे मोड़ मिल जाते हैं मेरे को इसमें, देखो
कि नई लाइट मैंने इसमें इंस्टॉल करी है तो काफ़ी सारे मोड ये मेरे को 2400 की लाइट पड़ी थी गाइस, तो इसमें एक कमी मेरे को ये लगी कि इसमें हमें व्हाइट लाइट नहीं मिलती है भाई। काफ़ी सारी लाइट के मोड है पर वो ये रेड ब्लू वाले। तो गाइज अब जाके हर चीज़ से फ्री हो चुका है और भाई बाकी मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ, देखो हवा इतनी तेज़ चलने लग रही है गाइज। अब तुम इस चीज़ से ना अंदाज़ा खुद लगा सकते हो कि कितना तगड़ा मौसम होने लग रहा है। काश दोपहर में ऐसा मौसम हो जाता तो शायद इतनी गर्मी ना पड़ती, दोपहर में तो बहुत गर्मी पड़ती थी। एक बार को ऐसा लगा था कि जैसे हाँ आंधी आने वाली है पर कुछ भी नहीं हुआ। अब जाकर लग रहा है भाई एक नंबर ठंडी ठंडी हवा चलने लग रही है।